मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें तो चीज़ अवेलेबल है नहीं, ये तो सारा सोल्ड आउट है बेसिकली। दिस इज कॉन्शेंट वन सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेस वे पे। कॉन्शेंट टू आ रहा है क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो कॉमर्शियल के व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर चाहिए होता, ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर चाहिए होता, वो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई ग्राउंड फ्लोर पर कोई चीज़ हो तो बताइए, क्योंकि शॉप्स बहुत बड़े साइज़ की नहीं है। 450 स्क्वायर फिट से लेके 650 स्क्वायर फिट तक की शॉप्स हैं इसमें, और इस वजह से प्राइस रेंज समवेयर अराउंड 1 CR के आसपास का, समवेयर अराउंड 1 CR के आसपास का प्राइस रेंज आ जाता है। कॉन्शेंट जब बन रहा था, जब कॉन्शेंट में चीज़ लोगों ने ली थी ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे लगभग 12,800 पे लॉन्च हुआ था, ये 12,800 रुपये पर स्क्वायर फिट पे। इस वक्त सामने वाली जो फ्रंट की शॉप्स हैं उनका रेट है 60,000 रुपये पर स्क्वायर फिट। उससे पहले भी आप एग्जिट ले सकते हैं, अप्रिसिएशन लेके निकल सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको रखा तो भी आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ब्रांड्स ऑलरेडी कॉन्शेंट से वन से ही उठ के कॉन्शेंट टू में जाएंगे। तो अमूमन देखा गया है कि जो एक कमर्शियल होता है उसमें 50-50 का पेमेंट प्लान होता है। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर रहेगा लेकिन स्टैगर्ड रहेगा, मतलब मैं आपको बताऊंगा, पेमेंट प्लान समझाऊंगा फोन पे कि कैसे आपको और इजी पड़ जाएगा वो। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये वीडियो मैं आपके लिए जो लाया हूं, इसके लिए मैं खुद बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। मैं हूं इस वक्त कॉन्शेंट वन में, आप लोग ज़रूर आए होंगे, यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, सामने कॉन्शेंट वन है और इधर आपने एक बहुत फेमस प्रोजेक्ट सुना होगा इलान 106। तो ये गाड़ियों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, इन भीड़ को देख के ही मुझे याद आया कि मुझे यहाँ पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं विजुअलाइजेशन आपको ज़्यादा बेटर दे पाऊँगा। बेसिकली क्या है कि कॉन्शेंट वन एक ऐसा यहाँ पे कॉमर्शियल है द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जो एक लौता फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल है, जहाँ पे सब लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और हम लोग भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, और उसके अलावा कोई इस तरह का कॉमर्शियल है नहीं। अब बेसिकली क्या है कि कॉन्शेंट एज अ ब्रांड इतना विजनरी ब्रांड है कि जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब ऑब्वियसली कॉन्शेंट था। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं बनी हुई, ये सोच के देखिए आज से कई साल पहले जब द्वारका एक्सप्रेसवे का इंसेप्शन हो रहा था, लोगों को पता भी नहीं था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनेगा कि नहीं बनेगा, उस टाइम पे लोगों ने यहाँ पे चीज़ें ली थी। और ये ग्राउंड फ्लोर जो फुल्ली फंक्शनल आपको दिख रहा है, आप लोग इसमें कई सामने शॉप्स देख रहे हो, कोई भी शॉप खाली नहीं है, सारी फंक्शनल हैं, चल रही हैं, लोग बेहतरीन शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है किसी न किसी की इन्वेस्टमेंट है जो आज इसका फ़ायदा उठा रहा है वो इंसान, क्योंकि ये पूरा बन के तैयार है और सही टाइम पे उसने ले लिया था। अब बेसिकली आपको समझने के लिए चीज़ ये है कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें तो चीज़ अवेलेबल है नहीं, ये तो सारा सोल्ड आउट है बेसिकली। दिस इज कॉन्शेंट वन सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेस वे पे। कॉन्शेंट टू आ रहा है सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेस वे में। द्वारका एक्सप्रेस वे सेक्टर 102 में ख़ास बात जो है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हैबिटेशन है वहाँ पर। आप जितनी सोसाइटीज़ देख लीजिए, आप देख लीजिए शाहपुर जी है, इमार गुड़गांव ग्रीन्स है, इंपीरियल गार्डन्स है, सन सिटी है, और हेरिटेज मैक्स है, कॉन्शेंट का ही पीछे एक अफोर्डेबल और आ रहा है, सामने रिद्धि सिद्धि है, उसके बीच में एक कॉमर्शियल आ रहा है जो कि छोटा कॉमर्शियल होगा, ये एक बड़ा कॉमर्शियल है, 400 शॉप्स हैं इसमें। इसी का रेप्लिका आ रहा है, इसी का इम्प्रूव वर्जन आ रहा है, इम्प्रूव वर्जन क्यों है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें सिर्फ 90 शॉप्स होंगी। इसका मैं वीडियो एक ला चुका हूँ, आप थंबनेल देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसमें उस टाइम पर फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स के बारे में मैंने बात करी थी, उसमें सिर्फ 6 शॉप्स थी और उसमें मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स ने शॉप्स ली हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उनको मैं ये चीज़ दिलवा पाया, बहुत सही प्राइस में थी चीज़। लेकिन तब तक उन्होंने कॉन्शेंट ने ग्राउंड फ्लोर की यूनिट्स निकाली नहीं थी, रिलीज़ करना था उनको, कुछ प्रीमियम यूनिट्स थी ग्राउंड फ्लोर पर जो उन्होंने मैनेजमेंट कोटा में रोक के रखी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि निकलेंगे यूनिट्स, तब मैं इसके वीडियो बनाऊंगा और आप तक लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे मैक्सिमम जो कॉमर्शियल के व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर चाहिए होता, ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर चाहिए होता, वो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई ग्राउंड फ्लोर पर कोई चीज़ हो तो बताइए। तो ग्राउंड फ्लोर एक ऐसी चीज़ होती है, ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस होते हैं चलने के, अगर एक बड़ा कॉमर्शियल है तो। अगर एक बड़ा कॉमर्शियल है जैसे इस तरह का है कॉमर्शियल, या इलान 82 है, या जितने भी बड़े बड़े कॉमर्शियल देखे होंगे उसमें ग्राउंड फ्लोर तो चलता ही है, लेकिन छोटे कॉमर्शियल में फर्स्ट फ्लोर भी चलता है, ग्राउंड फ्लोर भी चलता है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के लिए ज़्यादा क्रेविंग होती है लोगों को। तो अब कॉन्शेंट ने फाइनली निकाल दी है कुछ शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पर, जिसका हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो बेसिकली एरिया है सेक्टर 102, कुछ आप क्लिप्स देख रहे होंगे इस वक्त, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आसपास पीछे ही लगभग 30,000 लोगों का तैयार कैचमेंट है, जो मुझे इंक्लूड करते हुए, बिकॉज आई ऑल्सो लिव ऑन सेक्टर इन सेक्टर 102 और एक्सप्रेस वे। तो मुझे अगर किसी को शॉपिंग अपने घर से लाना होता है, घूमने टहलने आना होता है, अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, तो मुझे 6-6.5 किलोमीटर आना पड़ता है यहाँ पे कॉन्शेंट वन। वो बन जाएगा तो जाहिर से मैं, वो मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर होगा, तो मुझे वो ज़्यादा करीब पड़ेगा, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा।
अब क्या है कि खास बात क्या होती है, आप ये लीजिंग देख रहे हैं, कॉन्सेंट में हमेशा ऐसा रहता है, इनकी लीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रांग होती है। और अभी अंदर अगर आप कॉन्सेंट के ऑफिस में आके देखें तो इनकी लीजिंग टीम बैठी रहती है। तो ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं आप देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, सारा जो आप शोर शराबा देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर लीजिंग बहुत अच्छी हुई है। तो इसी के आपको रब ऑफ इफेक्ट मिलता है सेक्टर 102 का, जो इनका आ रहा है कॉमर्शियल, उसमें ऑलरेडी यहाँ से कई ब्रांड्स उठ के, जैसे गीतांजलि है, लुक्स है, बहुत सारे साइन हो चुके हैं पहले ही। क्योंकि एक जब ब्रांड साइन हो जाता है एक ब्रांड, मतलब ब्रांड के साथ, जैसे गीतांजलि फॉर एग्जांपल साइन हो गया कॉन्शन के साथ, या ज्ञानीज है वो साइन हो गया कॉन्शन के साथ, HDFC है हो गया, तो वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सही चीज़ होती है और सब पेपर वेपर वर्क जो होता है कंप्लीट होता है। तो वो सारे ब्रांड्स किसी और भी, उनका कमर्शियल आता है कोई और सेक्टर में आता है, किसी और लोकेशन में आता है, तो वहाँ भी आ जाते हैं। ऐसा आपको एडवांटेज सेंट्रल 102 में भी मिलेगा, यानी कि जिसको कॉन्शन 2 बोल रहे हैं उसका बेसिकली नाम सेंट्रल 102 है। अब क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि बजट रेंज सही आ रही है, क्योंकि शॉप्स बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, 450 स्क्वायर फीट से लेके 650 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स हैं इसमें, और इस वजह से प्राइस रेंज समवेयर अराउंड 1 CR के आसपास का, प्राइस रेंज आ जाता है। तो अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे इतनी प्रीमियम लोकेशन पे कॉन्शियन ब्रांड के साथ शॉप मिल रही है 1 CR के आसपास में, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को मिले। बेसिकली क्या है, आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शेंट का कभी एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रेफरल इतना स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल इनके इन्वेस्टर्स है, वर्ड ऑफ माउथ से ही चीज़ें निकल जाती हैं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके कॉन्शेंट से, इनके टॉप मैनेजमेंट से बात करके, सारी चीज़ें करके मैंने परमिशन ली कि मैं आप तक ये बात पहुँचा पाऊँ, अपने व्यूअर्स तक पहुँचा पाऊँ और आपको ये चीज़ मिल पाए, वरना तो ये तो चीज़ निकल ही जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ 7-8 शॉप्स होंगी शायद, और कुछ फर्स्ट फ्लोर पे भी 3 शॉप्स मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर पे भी होंगी, तो टोटल मिला के 10-11 शॉप्स हैं। तो इसके बारे में, और फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा ऑब्वियसली रेट थोड़ा सा कम होता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे भी ज़्यादा लोग ग्राउंड फ्लोर में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब बेसिकली करना क्या है आपको, मुझे आपको ये समझाना था, पहली चीज़ ये कि इसकी थोड़ी सी कॉन्शेंट की हिस्ट्री, कि बेसिकली आप क्या चीज़ ले रहे हैं और आपका फ्यूचर क्या है, क्यों लेना चाहिए आपको ये चीज़, ये चीज़ समझनी है आपको। कॉन्शेंट जब बन रहा था, जब कॉन्शेंट में चीज़ लोगों ने ली थी ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे लगभग 12,800 पे लॉन्च हुआ था, ये 12,800 रुपये पर स्क्वायर फीट पे। इस वक्त सामने वाली जो फ्रंट की शॉप्स हैं उनका रेट है 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इट्स जस्ट अबाउट द मैटर ऑफ विजन, कि आपका विजन क्या है, क्या आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को, देख पा रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे चीज़ ले ली 12,500 रुपये में, 15,000 रुपये में, तो आज 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आराम से अपना। और रेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पे सामने वाली जो शॉप्स हैं उसका रेंटल चल रहा है ग्राउंड फ्लोर का 200 रुपये पर स्क्वायर फीट, और अंदर वाली शॉप जो है उनका 150 रुपये पर स्क्वायर फीट। सिमिलर रेंटल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 102 में भी। तो और वो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो 102 वाला आ रहा है कॉमर्शियल आ रहा है, ये 2 साल में बन के तैयार होगा। छोटा कॉमर्शियल है, छोटे कॉमर्शियल में सिर्फ 90 शॉप्स हैं। इसकी खास बात क्या होती है एक छोटे कॉमर्शियल की, कि 12-15 ब्रांड्स भी आ जाएंगे ना इसमें तो पूरा कॉमर्शियल भर जाएगा। क्योंकि आप मान के चलिए, ये जब आपने गीतांजलि सलोन, गीतांजलि है इधर, है ना, तो गीतांजलि ने एक शॉप थोड़ी ना ली है, 4-5 शॉप मिला के एक ले लिया है। बीकानेर वाला आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बीकानेर वाला इधर है, तो बीकानेर वाला ने एक शॉप थोड़ी ना ली है, 4-5 मिला के ले लिए। तो 90 शॉप भरने में 12 से 15 ब्रांड ही लगेंगे जो इनको भरने की ज़रूरत होगी। तो आपको समझना ये है कि इतना सही प्राइस पे जिन लोगों ने ले लिया था, आप उसी पोजीशन पे आप खड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी एकदम एंट्री लेवल का प्राइस है। और ये ऑब्वियसली आपको पता है दौर के एक्सप्रेसवे पे है, जो लोकेशन है जो मैं बता रहा हूँ सेक्टर 102 वाली लोकेशन है, सिर्फ 200 मीटर है दौर के एक्सप्रेसवे से, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। दौर के एक्सप्रेसवे है, आपको पता है अभी दौर के एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने में थोड़ा वक्त है, अप्रिसिएशन बहुत अच्छा आएगा। और एक ऐसी चीज़ है जो आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेके डाल दिया, तो आपको रेंटल अगर आपने बना के पूरा बन के भी आप इसको बेचा नहीं, उससे पहले भी आप एग्जिट ले सकते हैं, अप्रिसिएशन लेके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको रखा तो भी आपको रेंटल बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ब्रांड्स ऑलरेडी कॉन्शेंट से, 1 से ही उठ के कॉन्शेंट 2 में जाएंगे। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, इम्प्रूव वर्जन है, मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो फसाड है इनका, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर की जो सामने की शॉप्स होंगी वो दिखती नहीं है, है ना, क्लोज्ड है ये। लेकिन कॉन्शन 2 में, यानी कि सेंट्रल 102 में जो चीज़ आ रही है, ग्लास फसाड जो होगा उसका, वो पूरा ग्लास फसाड होगा, मतलब ट्रांसपेरेंट होगा। तो फर्स्ट फ्लोर की भी जो शॉप्स होंगी उस पर, जो सामने की शॉप्स होंगी, और ग्राउंड फ्लोर की जो होंगी, वो दोनों साफ साफ दिखेंगी, तो विजिबिलिटी और अच्छी आएगी। तो
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ आना आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 शॉप से छोटा कमर्शियल है तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है ही नहीं। तो ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे बहुत अच्छी यूनिट्स हैं अवेलेबल, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को मिले, लेकिन यूनिट्स बहुत कम हैं। इनका रेफरल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर्स इंटरनली वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ें ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें देर ना करें, आप इस नंबर पर हमें कॉल करें, क्योंकि ये हमारा नंबर है, और हैशटैग आप सेंट्रल 102 लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप हैशटैग सेंट्रल 102 लिख दीजिए, या तो डायरेक्टली हमें कॉल कर लीजिए, तो हम आपको बताएंगे कैसे इसमें क्या करना है। पेमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपकी शॉप 1.1 CR की 1.2 CR की पड़ रही है, तो अमूमन देखा गया है कि जो एक कमर्शियल होता है उसमें 50-50 का पेमेंट प्लान होता है। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर रहेगा, लेकिन स्टैगर्ड रहेगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, पेमेंट प्लान समझाऊंगा फ़ोन पे कि कैसे आपको और इजी पड़ जाएगा वो, है ना। तो वो सब हम लोग बात करेंगे ऑन कॉल, और बहुत सारी चीज़ें आपको और समझनी होंगी। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आसपास जो और कमर्शियल्स हैं वहाँ पे इससे ज़्यादा रेट चल रहा है। कॉन्शन हमेशा सही रेट में चीज़ लाता है और अच्छी चीज़ लाता है, लीजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसमें देर ना करें, इस नंबर पर हमें कॉल करें, या हैशटैग सेंटर 102 लिख दें हमें व्हाट्सएप नंबर पर, तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। बस इतनी सी बात करनी थी आपसे, आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।